वेलकम टू स्टडी। माय नेम इज चंदन और आज हम पढ़ेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में जो कि 2020 में दिया गया। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये चार तरह के अवार्ड हैं, सिविलियन अवार्ड, जो कि हर साल दिए जाते हैं। भारत रत्न तो इस बार किसी को नहीं दिया गया, लेकिन ये बाकी जो तीन अवार्ड आप देख रहे हैं ये दिया गया और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर हम बात करें पद्म विभूषण के बारे में तो ये कुल मिला के 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 16 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 118 लोगों को दिया गया। 118 का तो नाम आप नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन ये जो पद्म विभूषण के 7 लोग हैं इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और पद्म विभूषण के अलावा पद्म भूषण भी इम्पोर्टेंट है, तो टोटल 16 लोगों को दिया गया है। और पद्मश्री में हम केवल उन लोगों को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कुछ विशेष कारणों से न्यूज में रहे हैं, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्म अवार्ड एक सम्मान का अवार्ड है, इसमें कोई कैश अलाउंस नहीं मिलता। देश आपको रिकग्नाइज करता है कि आपने कुछ विशेष काम किया है तो उसके लिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको पद्म अवार्ड मिला है तो उसको आप किसी इस तरह से, मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स के तरह नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि है नाइटहुड अवार्ड जो कि इंग्लैंड की सरकार देती है, तो जिनको नाइटहुड लगता है मिलता है उनके नाम के आगे सर वो लगा सकते हैं, लेकिन पद्म अवार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सवाल बनता है कि ये अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है, मतलब बेसिकली ये मतलब आप क्या करेंगे कि आपको पद्म अवार्ड मिले। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही ब्रॉडर है, मतलब कोई भी ऐसा विशेष काम, सोशल वर्क हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने कर दिया, कला संस्कृति विज्ञान, तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं पद्म विभूषण जो 7 लोगों को मिला है वो कौन कौन से लोग हैं, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैरी कॉम जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं, इनको स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला है पद्म विभूषण। और हैं मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुकी हैं और हो सकता है कि 2020 के समर ओलंपिक में जो कि टोक्यो में होने वाला है वहाँ पर ये हमारे लिए एक मेडल जीत कर दे। और हमारा अगला और भी कुछ देख लीजिए इनके बारे में, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है और भी ये कुछ अवार्ड हैं जो इनको मिला है। और आगे आगे देखते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, ये तीनों ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं और इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार के रहने वाले हैं और ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। और अरुण जेटली जो कि दिल्ली से हैं और हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि इनका देहांत हो चुका है 2019 में ही। सुषमा स्वराज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रह चुकी हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सनूलाल मिश्रा जो कि एक सिंगर हैं, इनको भी ये अवार्ड मिला है और ये उत्तर प्रदेश से हैं। और 7वें हैं विश्वेश त्रिथारू। और अब हम देख लेते हैं थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि है पद्म भूषण के बारे में। सैयद मुजीम अली ये बांग्लादेश के राजदूत हैं भारत में, मतलब रह चुके हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा काम किया था और इन्हें दिया गया है पद्म भूषण। मुजफ्फर हुसैन बेग ये पब्लिक सर्विस में रह चुके हैं, इन्हें भी पद्म भूषण मिला है। अगले हैं अजोय चक्रवर्ती, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक स्पेशली ठुमरी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे है मनोज दास, ये उड़िया और इंग्लिश के लेखक हैं और ये उड़ीसा से हैं। अगले हैं बाला कृष्णा टोसी, ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, इनको 2018 में प्रिट्सकर अवार्ड भी मिल चुका है। प्रिट्सकर आर्किटेक्चर प्राइस माना जाता है कि आर्किटेक्चर के लिए नोबेल प्राइज है। आगे देखते हैं आनंद महिंद्रा जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मनोहर पारिकर जो कि गोवा के पूर्व सीएम रह चुके हैं और ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला नाम है पीवी सिंधु का जो कि ओलंपिक में इंडिविजुअल सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। अगला नाम है वीनु श्रीनिवासन, ये टीवीएस ग्रुप के चेयरमैन हैं। और बाकी नाम इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट हैं हम लोगों ने कवर कर लिया है।
ये लिस्ट है पद्मश्री के 118 लोग जिनको ये अवार्ड मिला है। ये सारे तो हम याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन देखते हैं इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो कि न्यूज़ में रहे हैं और इनसे एग्जाम में प्रश्न बनने के चांसेस बनते हैं। क्रिकेटर हैं जाहिर खान, जो कि तेज गेंदबाज रह चुके हैं भारत के क्रिकेट टीम की तरफ से, तो इनके रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगले हैं अदनान समी, इनका नाम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि ये पाकिस्तान के नागरिक हैं जो कि बाद में भारत की नागरिकता इन्होंने प्राप्त कर ली थी, और ये सिंगर हैं, बॉलीवुड में बहुत सारे गाने इनके आ चुके हैं। अगला नाम है करण जौहर, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, और ये हैं एकता कपूर, जिनके टीवी सीरियल काफ़ी फेमस होते हैं, और कंगना रनौत, ये भी काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत सारी वर्सेटाइल एक्टिंग कर चुकी हैं ये। और कुछ सोशल वर्कर्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ये न्यूज में रहे हैं। देखिए, ये देखिए, इनका नाम है मोहम्मद शरीफ, ये सेकुलर इंडिया के बहुत साइनिंग एग्जाम्पल हैं। ये सोशल वर्कर हैं उत्तर प्रदेश से। ये अनक्लेम्ड डेड बॉडी जो कि किसी भी रिलीजन के हो उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं, और ये एक साइकिल मिस्त्री हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बस एक नियत चाहिए होता है कोई अच्छा काम करने के लिए। और आगे देखते हैं, और ये हैं हरे काला जी, जो कि संतरा बेचते हैं, और जो भी इनकी कमाई होती है उससे बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखें, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और ये है रवि कनन, जो कि कैंसर के डॉक्टर हैं, और इन्होंने बहुत सारे मरीजों का फ्री में इलाज किया है, ये असम से हैं, इनको भी ध्यान में रखिए। और ये हैं एस रामाकृष्णन, जिनको कि दिव्यांगों के पुनरुत्थान के लिए इनका कुछ योगदान है, इनको भी ध्यान में रखिए। ये है राजस्थान के सुंदरम वर्मा, इन्होंने 50,000 पेड़ लगाया है, तो इनको ये न्यूज़ में रहे हैं, इस वजह से ये प्रश्न भी बन सकता है। और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सारी लिस्ट आप PDF से डाउनलोड कर सकते हैं, और जितने भी फैक्ट्स हैं, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।